नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन करेंगे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 5 लोगों में से लगभग 25% को कोविड के दोनों टीके लगाए गए। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कामकाज को सुचारू और तेजी से निपटाने के लिए 200 से अधिक सरकारी कार्यालयों को ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ा गया। पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद राजनीतिक संकट गहराया। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक बढ़ाया। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा का अगला प्रधानमंत्री बनना तय। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दुबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। दोपहर समाचार में अतर सईद के साथ मैं कनकलता। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस उपलक्ष्य में सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसे जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज कार्यक्रम शुरू किया है। 16 अगस्त से ये क्विज कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित किया जा रहा है। ये 15 अगस्त 2022 तक प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ साझेदार के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से विख्यात दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने भारत से अथाह धन इंग्लैंड भेजे जाने पर प्रसिद्ध धन निष्कासन का सिद्धांत बनाया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रमुख आधार बना। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग की। उन्होंने भारत का राजनीतिक दासत्व दूर करने के लिए 6 दशकों तक अपना योगदान दिया। आकाशवाणी समाचार को कल के क्विज में पूछे गए इस प्रश्न पर देश विदेश के श्रोताओं से बड़ी संख्या में उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता है राजस्थान के श्रीगंगानगर के प्रवीण बिश्नोई। मेरा नाम प्रवीण बिश्नोई है। मैं राजस्थान की ओर से अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का शुक्रिया अदा करता हूँ। राजस्थान की आजादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। माणिक्य लाल वर्मा, अर्जुन लाल सेठी, केसर सिंह बारहट जैसे आजादी के दीवानों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं देशवासियों को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न अब सोमवार 4 अक्टूबर के समाचार प्रभात में पूछा जाएगा। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोहों में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन करेंगे। वे राजस्थान में बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में 4 नए चिकित्सा महाविद्यालयों का शिलान्यास भी करेंगे। ये चिकित्सा महाविद्यालय केंद्र प्रायोजित नए विश्वविद्यालय रेफरल अस्पताल स्थापित करने की योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना के 3 चरणों में देश भर में 157 नए चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। पात्र लोगों में से लगभग 25% लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 87,66,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 54,13,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल संक्रमण के नए मरीजों की संख्या 20,000 से कम रही। देश में उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 2,82,520 हो गई है, जो 194 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 97.83% है, जो पिछले वर्ष मार्च से सबसे अधिक है। पिछले 24 घंटे में 28,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। महामारी से अब तक 3,29,86,180 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 56,74,00,000 नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल 15,04,000 नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 85,42,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करा चुकी है। इसके अलावा 83,80,000 से अधिक टीके और दिए जाएंगे। 4,57,00,000 से अधिक डोज भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड की रोकथाम के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा है कि कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए यह आशंका है कि लोग उपयुक्त नियमों का पालन करने में लापरवाही बरत सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी कहा गया है कि वे प्रत्येक जिले में संक्रमण की दर और अस्पताल और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के उपायों पर नियमित रूप से कड़ी नजर रखें। नागर विमानन महानिदेशालय ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। डीजीसीए के परिपत्र में कहा गया है कि ये प्रतिबंध विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होंगे। विमानन नियामक ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले के गुणदोष के आधार पर चुने हुए मार्गों पर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। केंद्र ने कोविड का फैलाव रोकने के लिए पिछले वर्ष 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई थी। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। पटना, रोहतास और नालंदा समेत 34 जिलों की 692 ग्राम पंचायतों के लिए आज मतदान हो रहा है। 76,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। 3,402 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। वोटों की गिनती 1 और 2 अक्टूबर को होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा की 3 और लोकसभा की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों और जिला निर्वाचन कार्यालय ने तैयारी तेज कर दी है। राज्य में ये उपचुनाव कोविड के कारण विधायकों और सांसद के निधन के कारण कराए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई है, जिनमें अलीराजपुर जिले में जौबर्ट, निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर और सतना जिले में रायगांव शामिल हैं। वहीं खंडवा लोकसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने इच्छुक उम्मीदवारों को अपना नामांकन और चुनाव प्रचार करते समय कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भी निर्वाचन कार्य को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से संचालित करने के लिए आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा आज विश्वनाथ और लखीमपुर जिलों के एक दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बेहाली में एक आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया और बच्चों से बातचीत की। श्री सरमा ने बच्चों को सूखा राशन भी बांटा।
पूर्व मंत्री रंजीत दत्ता और सांसद पल्लव लोचन दास के साथ मुख्यमंत्री ने बाटियामारी क्षेत्र का दौरा किया। बाद में उनका स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ के आवास का दौरा करने और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम है। श्री शर्मा बोरगनाग और कोहपुर में दो जनसभा भी करेंगे। असम सरकार और हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के कर्मचारियों के लिए वेतन और अन्य देय भत्तों के समाधान के लिए सहमति हो गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कर्मचारियों के साथ हुई बैठक के बाद ये जानकारी दी। हैलाकांडी जिले में स्थित एचपीसीएल के दो कारखाने कछार पेपर मिल और पचग्राम स्थित कछार पेपर मिल अक्टूबर 2015 से और मोरीगांव जिले के जागी रोड स्थित नवगांव पेपर मिल मार्च 2017 से बंद हैं। दोनों मिलों के कर्मचारियों का 55 महीनों का वेतन बकाया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 200 से अधिक सरकारी कार्यालयों को ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर की ई ऑफिस प्रणाली एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि इससे सरकारी कामकाज को सुचारू बनाने और उसे तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसे कुछ संगठनों ने पहले ही ई ऑफिस प्रणाली को अपना लिया है। पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद राजनीतिक संकट गहरा गया है। उन्होंने राज्य के भविष्य को लेकर किसी तरह का समझौता न करने की बात कहकर कल इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मौजूदा संकट के समाधान के लिए बुलाई गई बैठक के बाद कहा कि संकट का समाधान जल्दी ही निकलेगा और सभी मुद्दे हल कर लिए जाएंगे। सूत्रों ने कहा है कि पंजाब कांग्रेस के 6 विधायक और कुछ स्थानीय नेता कल शाम सिद्धू के आवास पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने पार्टी महासचिव योगेन ढेंगड़ा के साथ सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने बताया है कि सिद्धू का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है और कांग्रेस उच्च कमान उनसे संपर्क बनाए हुए है। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है लेकिन पार्टी की सेवा करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज उत्तराखंड के 2000 से अधिक पार्टी शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता भाजपा की ताकत हैं। श्री नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मानवता की सेवा की मिसाल कायम की है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा और संगठन के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है, लेकिन लोकतंत्र में जनता की सेवा के लिए चुनाव जीतना भी एक माध्यम होता है और हमारे लिए चुनाव जीतने का शस्त्र भी हमारे बूथ के कार्यकर्ता ही हैं। मैं सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बूथ पर पार्टी की आत्मा बन जाएं और श्रद्धेय ठाकरे जी की बताए रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रण लें। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो नेताओं के आधार पर नहीं बल्कि बूथ और शक्ति केंद्रों पर खड़े कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ती है और जीतती है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन करेंगे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। पात्र लोगों में से लगभग 25% को कोविड के दोनों टीके लगाए गए। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कामकाज को सुचारू और तेजी से निपटाने के लिए 200 से अधिक सरकारी कार्यालयों को ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ा गया। पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद राजनीतिक संकट गहराया। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक बढ़ाया। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा का अगला प्रधानमंत्री बनना तय। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दुबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। झारखंड के लातेहार जिले में कल देर रात उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के सदस्यों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के डेप्यूट कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। मुठभेड़ में एक उग्रवादी भी मारा गया। ये मुठभेड़ लातेहार जिले के तुरडेह सलिया वन क्षेत्र में हुई। श्री कुमार को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने उग्रवादियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाश अभियान जारी है। झारखंड के पुलिस महानिरीक्षक नीरज सिन्हा ने आज सुबह शहीद के परिजनों से मुलाकात की।
जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा ने सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पद का चुनाव जीत लिया है और उनका अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। किशिदा ने पार्टी के निवर्तमान नेता प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा की जगह ली है, जो पिछले सितंबर में पदभार ग्रहण करने के केवल एक वर्ष के अंदर अपना पद छोड़ रहे हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए नेता के रूप में किशिदा का संसद में सोमवार को अगला प्रधानमंत्री चुना जाना निश्चित है। किशिदा ने नेता पद के चुनाव के पहले दौर में दो महिला उम्मीदवारों सानाई ताकाइची और सेईको नोडा को हराने के बाद अंतिम दौर में टीकाकरण मंत्री तारो कोनो को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दुबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। इससे पहले कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 135 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। उज्जवल भविष्य बनाने की आजादी, रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम की आजादी, आजादी का अमृत महोत्सव आओ मनाए हर पल। NPS करे बेहतर आज और पेंशन से सुनिश्चित कर। 1 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है NPS दिवस। अधिक जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा जाएं या PFRDA.org.in पर विजिट करें या 1800-110-7008 पर कॉल करें। ये आकाशवाणी है। समाचार सेवा प्रभाग के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित की जा रही है। आज की कड़ी है शहरीकरण एक अवसर। ये समग्र शहरी विकास के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता और उनके नेतृत्व में किए गए प्रयासों को दर्शाता है। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे FM Gold और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता संबंधी हमारी श्रृंखला कोरोना जागरूकता की अगली कड़ी रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुनी जा सकेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 पर इसे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM Gold 100.1 MHz पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज ही के दिन 1942 में मातंगिनी हाजरा ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ब्रिटिश भारतीय पुलिस ने 29 सितंबर 1942 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के तोमलुक थाने के सामने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उन्हें प्यार से गांधी बूढ़ी कहा जाता था, बांग्ला में जिसका अर्थ बूढ़ी महिला गांधी है।
मातोंगनी हाजरा का जन्म 1869 में तोमलुक के पास होगला के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी शादी बहुत कम आयु में ही हो गई थी और केवल 18 साल की उम्र में ही वे विधवा भी हो गईं। मातोंगनी हाजरा गांधीवादी दर्शन से प्रभावित होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो 6 महीने तक बहरामपुर जेल में रहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 73 वर्ष की उम्र में मातोंगनी हाजरा ने तोमलुक पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के उद्देश्य से 6000 समर्थकों के जुलूस का नेतृत्व किया। ये ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने और एक स्वतंत्र भारतीय राज्य की स्थापना की दिशा में एक कदम था। जब जुलूस शहर के बाहरी इलाकों में पहुंचा, तो पुलिस ने उन्हें रुकने का आदेश दिया और मातोंगनी जैसे ही आगे बढ़ी उन्हें गोली मार दी गई। 73 वर्षीय मातोंगनी हाजरा पर 3 गोलियां चलाई गईं। हर गोली के साथ वंदे मातरम के नारे की उनकी आवाज तेज होती गई और हाथ में पकड़ा तिरंगा भी ऊंचा होता गया। तिरंगे को ऊंचा लहराते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। समरांतर तोमलुक सरकार ने देश के लिए मातोंगनी हाजरा की शहादत की प्रशंसा करके खुले तौर पर विद्रोह को उकसाया और गांधी जी के अनुरोध पर 1944 में खत्म होने तक विद्रोह को 2 और वर्षों तक जारी रखा। 1977 में स्वतंत्रता के बाद मातोंगनी हाजरा की प्रतिमा कोलकाता में लगाई गई थी। स्वतंत्र भारत में कोलकाता में स्थापित किसी महिला की ये पहली प्रतिमा थी। उनकी प्रतिमा अब भी तोमलुक में उसी स्थान पर स्थापित है जहां उनकी हत्या की गई थी। इसी दिन एक घटना और हुई जिसने भारतीय प्रवासियों की परिस्थितियों को आकार दिया। जापानी जहाज कामागाटा मारू 165 भारतीय यात्रियों को लेकर कनाडा से कलकत्ता पहुंचा। इनमें से ज्यादातर पंजाब प्रांत के थे। कनाडा ने जहाज को बंदरगाह पर खड़ा करने की अनुमति नहीं दी थी। 27 सितंबर को कलकत्ता पहुंचने पर ब्रिटिश बंदूकधारियों ने बंदरगाह में जहाज को प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के साथ कानून तोड़ने वालों और राजनीतिक आंदोलनकारियों की तरह व्यवहार किया गया था। नेताओं को पकड़ने के लिए पुलिस के जहाज में प्रवेश करते ही विरोध शुरू हो गया। 19 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बाकी को कैद कर लिया गया। भारतीय समूहों ने कामागाटा मारू की घटना को कनाडा के आव्रजन कानूनों में विसंगतियों को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा भारतीय क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी ने समर्थन जुटाने के लिए उत्तेजना और जुनून पैदा किया था। 1914 में कैलिफोर्निया में और भारतीय प्रवासियों की कई बैठकों में बरकतुल्ला, तारकनाथ दास और सोहन सिंह सहित गदर पार्टी के प्रमुख सदस्यों ने इस घटना का इस्तेमाल गदर आंदोलन के लिए लोगों को जुटाने के वास्ते किया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश। ये समर्पित है हास्य अभिनेता महमूद को।
हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं। हिंदी फिल्म उद्योग में एक हास्य कलाकार के रूप में महमूद ने जो स्थान हासिल किया वह किसी और को नहीं मिल सका। उनकी बोलचाल में हैदराबादी जुबान का जो पुट था उसे दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। आम आदमी के उदास चेहरे पर मुस्कान के रंग भरने वाले महमूद अली का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में की। बरसों संघर्ष के बाद जब महमूद ने फिल्मों को गंभीरता से लेना शुरू किया तब भारतीय फिल्मों पर किशोर कुमार की कॉमेडी का जादू छाया हुआ था। अभिनेता के तौर पर काम करने से पहले महमूद छोटे मोटे काम करते थे। शादी कर पिता बनने के बाद उन्होंने अभिनय करने का निश्चय किया। शुरुआत में उन्होंने 2 बीघा जमीन और प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। महमूद को फिल्मों में बड़ा ब्रेक 1958 में आई फिल्म परवरिश में मिला। इसके बाद फिल्म गुमनाम में एक दक्षिण भारतीय रसोइये की भूमिका ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचा दिया। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ। गुमनाम के बाद महमूद ने प्यार किए जा, प्यार ही प्यार, ससुराल, लव इन टोक्यो और जिद्दी जैसी हिट फिल्में दी। बाद में महमूद ने अपना स्वयं का प्रोडक्शन हाउस खोला। उनकी पहली होम प्रोडक्शन फिल्म छोटे नवाब थी। इसके बाद बतौर निर्देशक उन्होंने सस्पेंस कॉमेडी फिल्म भूत बंगला बनाई, लेकिन 60 के दशक में आई फिल्म पड़ोसन जबरदस्त हिट साबित हुई। नार बड़ी होशियार अपने ही जाल में हसत जात हम हसत जात। अभिनेता आयुष जौहर के साथ महमूद की जोड़ी बहुत लोकप्रिय हुई। दोनों ने जौहर महमूद इन गोवा और जौहर महमूद इन हांगकांग में साथ काम किया। तो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं। 1966 में इन्होंने शाहरुख खान को लेकर आखिरी फिल्म बनाई दुश्मन दुनिया का। बदकिस्मती से फिल्म फ्लॉप हो गई। सारी दुनिया की उदास जिंदगियों में खुशियों के रंग भरने वाले महमूद ने आखिर 23 जुलाई 2004 को दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन सच तो ये है कि महमूद जैसे महाराष्ट्र में मुंबई सहित कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से लगातार वर्षा हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ आने से जान माल और कृषि को काफी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कई इलाकों में बहुत अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने वर्षा से प्रभावित जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने और स्थिति पर कड़ी नजर रखने को कहा है ताकि जान माल का कम से कम नुकसान हो। राज्य के जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने कहा है कि मराठवाड़ा में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई गई है। अत्यधिक पानी को छोड़ने के लिए राज्य के कई बांधों के द्वार खोल दिए गए हैं। धुले जिले में अक्कलपाड़ा बांध का पानी पंजीरा नदी में छोड़ा गया है। तापी और बोरी जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। मराठवाड़ा संभाग में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी को स्थगित कर दिया गया है। राज्य के उच्चतर शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथियां जल्दी ही घोषित की जाएंगी। और अब एक नजर देश के अन्य भागों के मौसम पर। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 36, कोलकाता में 28 और चेन्नई में 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। जम्मू में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर और गैंगटोक में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। गुवाहाटी में अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन करेंगे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 5 लोगों में से लगभग 25% को कोविड के दोनों टीके लगाए गए। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कामकाज को सुचारू और तेजी से निपटाने के लिए 200 से अधिक सरकारी कार्यालयों को ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ा गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।